चीज ने प्रभावित किया वो है सुरक्षा। और आज बड़े ध्यान से समझना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। यू आर पत्नी, दो बच्चे, बूढ़े माँ बाप, यही एक एवरेज सिस्टम है परिवार का, जिसके लिए आदमी दिन रात भागता है। आपको क्या लगता है ये बहुत जिम्मेदारी का काम है जिसको आप भूल गए? आपको क्या लगता है ये बस सिस्टम है, हमारे दादाजी गए उनकी जगह पिताजी आ गए, पिताजी गए हम आ गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, माता पिता, ये बहुत जिम्मेदारी है, शादी की है, बहुत जिम्मेदारी का मामला है। आपके घर में बच्चे हैं 5, 7, 8, 10, 12, 15 साल के? Yes. कितने साल का है? 4 साल का, 17 साल का, 16 साल, 16, 15। अच्छा, कोई आपसे आकर कहे ये बच्चा मेरे को दे दो? नहीं दोगे? अच्छा, आप में कोई भी नहीं देगा? अच्छा, क्यों नहीं दोगे? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, आपका ही है। आपको क्यों कंफ्यूजन हो रहा है ऐसा? आप कंफ्यूज मत हो, आपका ही है। प्रश्न बच्चा आपका इससे नहीं है, प्रश्न ये है दोगे क्यों नहीं? इमोशनल अटैचमेंट जुड़ा हुआ। पाला पोसा है, अच्छा जवाब है, पाला पोसा है, अच्छा जवाब। और कोई? बुढ़ापे का सहारा है। और कोई? हाँ, उससे प्यार करते हैं, अच्छा जवाब। मैं ये अक्सर पूछता हूँ तो मेरे को कोई ये भी कहता है, सर कैसे दे दें, हम उस आदमी को नहीं जानते, अनजान आदमी है, बात तो अच्छी है। दूसरा कोई कहता है ये क्या गारंटी है मेरे से अच्छा पाल लेगा? अब बहुत सोच समझ के जवाब देना। जिस लड़के से आपने शादी की है इसको भी कोई प्यार करता था आपके पहले? जिसने पाला है इसको, उसके पिता भी सोच सकते थे कि सामने वाला मेरे जैसा पालेगा, ये क्या गारंटी है? पहले दिन तो आप उसके लिए अनजान थे, वो भी सोच सकता था। आपको क्या लगता है ये शादी कोई परंपरा है? ये बहुत जिम्मेदारी का काम है। अगर उस पिता ने आपको बेटी दी है, इसलिए दी है, आप उससे उससे अच्छा ध्यान रखोगे, उससे अच्छा पालोगे, उससे ज्यादा प्रेम करोगे। ये इतने जिम्मेदारी का काम है, पत्नी की आंख में कभी पति की वजह से आंसू नहीं आना चाहिए। उसको कार चाहिए, दिलाओ, फट गया आपका। उसको घर चाहिए, दिलाओ। गहने चाहिए, दिलाओ। कपड़े चाहिए, दिलाओ। ये नहीं कह सकते मैं क्या करूं, मेरी तो सैलरी 75,000 है। तो उस समय सोचते ना शादी, क्योंकि मना कर देते। आपके हाथ में थी ये बात। तो ये बात मैं पता क्यों कह रहा हूं, ये सर्वे है, बहुत सारी संस्थाएं सर्वे करती है भारत का, 60% महिलाएं आज भी घर में अकेले रूम में बैठ के घंटों तक रोती है। और याद रखना, जिस घर में पत्नी की आंख से आंसू गिरता है उस घर में कभी लक्ष्मी निवास नहीं करती, उस घर से लक्ष्मी रुष्ट होकर निकल जाती। जिन बच्चों को इस दुनिया में लाए, ये किसकी जिम्मेदारी थी? आप 4 पाल सकते 4 लाने थे, 2 पाल सकते 2 लाने थे, नहीं पाल सकते नहीं लाने थे। अब ये नहीं कह सकते क्या करें सर, पढ़ाई बहुत महंगी है, फीस कौन भरेगा? अरे फीस नहीं भर सकते तो घर में इनको क्यों भरा? ये क्या आसमान से आए थे? ये तो आपके हाथ का कंट्रोल था। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं सर आपका एक ही बच्चा, क्योंकि मेरे तीनों भाइयों के एक के दो, दो के तीन, तीन है। हाँ एक ही है सर, एक ही क्यों? तो मैंने कहा ये कोई पता था भविष्य में आरसीएम मिलेगा? भाई मेरे को ये पता था जॉब है, मैं एक को पालू, यही बहुत बड़ी बात। अगर मेरे को ये पता होता भविष्य में आरसीएम मिलेगा, मैंने कहा फिर एक नहीं होता, क्रिकेट की टीम घर में खेलती। भाई फिर तो ये पालता ना, फिर मेरे को कोई पालना था, आरसीएम पालना। ये जिम्मेदारी है आपकी जिससे हम बच रहे हैं। वो बच्चा 5,000 के खिलौने की जीत करता है, आप कहते हो बेटा टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा? जेब टूटी हुई है आपकी।
खिलौना नहीं टूटेगा। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन माता पिता की। आपको पता है रामकिशन सर को याद होगा, पहले गांवों में कम उम्र में शादी करते थे, लगभग 13-14 साल। आपको पता है क्यों करते थे? इसलिए करते थे इस शरीर में बच्चे के ताकत है, जल्दी शादी हो जाएगी, इसके बच्चे जल्दी हो जाएंगे, तो इसके शरीर में ताकत है तो ये बच्चों को पाल लेगा, और जब ये बूढ़ा होगा बच्चे इसको पाल लेंगे, इसलिए कम उम्र में कर। आजकल तो वो फैशन बन गई, 30 साल 35 साल ये फैशन है, मैं विरोध में हूं इसके। 40 साल मेट्रो सिटी में 50 साल में शादियां हो रही है। अब ये 50 में शादी करता है, 52 में इसके बच्चा हुआ, अब वो बच्चा 5 साल का हुआ, ये 57 का हो गया, दोनों टेंशन में। बच्चा देखता है इसको कौन पालेगा, ये देखता है इसको कौन पालेगा, ये दोनों टेंशन में। अब वो 5 साल का बच्चा देख रहा है, ये बाप 57 का हो गया, इसको कौन पालेगा। अब ये देख रहा मैं 57 का हो गया, ये 5 का, इसको कौन पालेगा। दुख इस बात का है, आदमी पैसे के लिए, माता पिता ने इसलिए कम उम्र में शादी की थी कि बुढ़ापे में आप इनके साथ रहो। और भारत के 60% बच्चे पैसे के लिए अपने माता पिता को छोड़कर बुढ़ापे में चले जाते हैं, दूसरे राज्य या दूसरे देश में। आपको पता है ये माँ गांव की अनपढ़ होती है, ये रो पड़ती है कई बार अपने पति से बात करती हुई, क्यों बड़क के उसको, क्यों कम उम्र में शादी की, इसलिए की थी कि हमें छोड़ के चला जाएगा बुढ़ापे में, गया क्यों, पैसे के लिए मजबूरी थी उसकी। गुजरात में काम कर रहा है, माता पिता उसके यूपी में रह रहे हैं, कोई हरियाणा में रह रहा है, बीमार है वो माँ, पति से बोलती है बुलाओ ना बेटे को, आखिरी बार तो मिलवाओ। पिता फोन करता है, बेटा माँ बहुत बीमार है, बार बार बोलती है मेरे से, मैं आज तक इसलिए नहीं बोला तेरी नौकरी का सवाल है, एक बार तो मिल जा, बहुत याद करती है। अपने बॉस से बात करता है, बॉस छुट्टी नहीं देता, टिकट भी करा लेता है, एक तरफ मां की चिंता, एक तरफ बच्चों का भविष्य और पत्नी का भविष्य देख रहा है। बॉस से पूछता है, सर मैंने 1 साल से छुट्टी नहीं मांगी, लेकिन 4 दिन की छुट्टी दो, मैं मां से तो मिलाऊंगी, बीमार है। बाबूजी का फोन आया था, बॉस कहता है छुट्टी नहीं मिलेगी, सर मैं जाना जरूरी है, जा रहे हो तो परमानेंट जाओ, टिकट कैंसिल करा देता है, नहीं आता मां से। बाबूजी फोन करते हैं, आ रहे हो बेटा, नहीं बाबूजी, मां को मत बताना, छुट्टी नहीं दी बॉस ने। मां को जब ये खबर मिलती है 3 बाद वो दुनिया छोड़ देती है। क्या लगता है ये माफ कर पाएगा अपने आप को कभी? क्या ये मां उसको कभी माफ कर पाएगी? मेरा एक ही कहना है, आरसीएम को सम्मान के लिए मत करना, आरसीएम को पिन के लिए मत करना, किसी चीज के लिए करना या मत करना, पर आरसीएम को इस चीज के लिए जरूर करना कि मैं बुढ़ापे में हमेशा अपने माता पिता के साथ रहूंगा। आशीष जी को अपना प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं थी, रामकिशन सर को अपना प्रोफेशन छोड़ने की जरूरत नहीं थी, ये बहुत सारे हैं, आर्मी छोड़ी उन्होंने, मैंने भी अपना जॉब छोड़ दिया, जरूरत नहीं थी। लेकिन मैं दूसरे प्रोफेशन, बहुत लोग मेरे को कहते हैं सर आरसीएम को तो बहुत अच्छा नहीं मानते, फिर आपको इतना गर्व क्यों है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप कितने भी बड़े ऑफिसर बन जाओ, मान लो आपकी सैलरी 1.25 लाख है और आप आईएएस ऑफिसर हो, भगवान ना करे कल से कोई घटना आपके साथ घटे और ये कड़वा सजे जो आया है हो जाएगा, क्या आपकी पत्नी को आईएएस बनाया जाएगा आपकी जगह? क्या आपकी पत्नी को यह 1.25 लाख आना शुरू होगा? मैं एक आपको अभी ताजी घटना बताता हूं आरसीएम की, कुछ समय पहले की। हमारे ग्रुप में जौनपुर से एक एमरल्ड हुए चौहान साहब, पंकज चौहान जी, मार्च में एमरल्ड हुए, उनकी हेल्थ बचपन से खराब रहती थी, लेकिन वो पढ़ने में इतने तेज थे, जिस फील्ड का आप उनसे पूछो, और वो उस समय आईएएस की तैयारी कर रहे थे,
तो इसी तरह की मीटिंग में कोई उनको ले आया, मेरे को याद नहीं जौनपुर में मेरी कोई मीटिंग होगी, उस मीटिंग में वो बैठे, उन्होंने आरसीएम ज्वाइन किया, पढ़ाई को धीरे धीरे कम कर दिया, आरसीएम में रॉयल्टी पर्ल स्टार पर्ल एमराल्ड हो गए, और कोरोना के टाइम उनकी डेथ हो गई। जब वो एमराल्ड हुए, 1 लाख आरसीएम ज्वाइन किया, पढ़ाई को धीरे धीरे कम कर दिया, आरसीएम में रॉयल्टी पर्ल स्टार पर्ल एमराल्ड हो गए, और कोरोना के टाइम उनकी डेथ हो गई। जब वो एमराल्ड हुए, 1,63,000 का चेक था उनका। मेरे बिजनेस पार्टनर थे, और मैं ये रियल घटना बता रहा हूं, मैं अपनी जिंदगी में इतना परेशान कभी नहीं हुआ जितना चौहान साहब के जाने के बाद हुआ। मेरे कई रिश्तेदार इस कोरोना में गए, मैं बहुत ज्यादा परेशान नहीं हुआ, क्योंकि मैं इस कड़वे सच को जानता हूं, क्योंकि मैं आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ हूं कि जो आया है वो जाएगा, उसने जिस दिन आने की तारीख लिखी उसी दिन आपके वापस जाने की तारीख लिख रखी है, दुनिया रोक नहीं सकती। मेरी पत्नी ने मेरे को कहा, मैं 2 दिन खाना नहीं खा पाया, एक दिन मेरी आंख से आंसू नहीं रुके, जैसे मेरे को सूचना मिली चौहान साहब इस दुनिया में नहीं रहे। 9 साल का बेटा है उनका, बड़ा, बेटी 7 साल की, एक छोटी 3 साल। तो मेरी पत्नी ने मेरे से पूछा, भारत को सिखाते हो, भारत को समझाते हो, ये गड़वा सच है, फिर आप इतना परेशान क्यों? मैंने विशेष को कहा, मैं इसलिए तो नहीं हूं परेशान, वो चले गए, क्योंकि ये तो उसने लिख रखा था, मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूं कि उम्र ज्यादा नहीं थी, मात्र 35 साल थी उम्र, ज्यादा पत्नी की उम्र 30 साल। मैंने कहा, क्या जिंदगी जिएगी, क्या बच्चे, क्या करेंगे? और इसीलिए मैं कई रिवाजों के खिलाफ हूं, दहेज प्रथा, इनके यहाँ एक रिवाज है, अगर किसी महिला के बच्चे हो गए ये वापस शादी नहीं कर सकती। मैंने कहा, ये क्या जिंदगी जिएगी, इसकी इनकी जगह तो कोई ले नहीं सकता, शादी इनके यहाँ अलाउ नहीं है। मान लो ये आरसीएम में नहीं होते, मैं गारंटी से बोलता हूँ चौहान साहब आईएएस ऑफिसर होते, इतना टैलेंट था उनमें, हर चीज का ज्ञान था, जिस क्षेत्र का पूछो आप, आयुर्वेदिक का, एलोपैथिक का, हर चीज का क्या था, बहुत टैलेंटेड थे। मैं आपसे पूछता हूं, अगर वो आईएएस अधिकारी होते, ये घटना तो तब भी घटनी थी क्योंकि उसने लिख रखा था, क्या गवर्नमेंट अगले महीने उनकी पत्नी को आईएएस अधिकारी बनाती? नहीं बनाती, चलो नहीं बनाती क्योंकि पत्नी पढ़ी हुई नहीं है। क्या ये 1,25,000 उनकी पत्नी को आना शुरू होता? नहीं होता। लेकिन आरसीएम की ताकत देखो, अप्रैल में चौहान साहब इस दुनिया से गए, मई के अंदर ही कंपनी ने जो पिन चौहान साहब के पास थी वो ही पिन उनकी पत्नी को दे दी और एमराल्ड घोषित कर दिया। मई के अंदर जो 1,63,000 चौहान साहब को आता था, मई से वो पत्नी को आना शुरू हो गया। और जब चौहान साहब इस दुनिया में थे तो 1,63,000 आता था, और अभी उनकी पत्नी को आरसीएम 2.25 लाख पर मंथ देता है। ये आरसीएम की ताकत। उन परिवारों से पूछे जिनके घर का मुखिया नहीं है, बहुत दर्द होता है कई बार एहसास करना, जिनके पास कमाई का साधन नहीं है और पति भी इस दुनिया में नहीं है। जब मार्केट में बच्चा अपनी माँ के साथ जाता है ना, वो किसी खिलौने की जिद करता है, वो तो 4 साल का बच्चा नहीं समझता, इस अच्छे बुरे को बहुत ज्यादा नहीं समझता, वो किसी खिलौने को मांगता है, माँ हाथ रोक लेती है, डांटती, बेटा तुम समझते नहीं, जब तुमको मार्केट लाओ तुम खिलौने मांगते हो। एक दो बार तो वो चुप रहता है, लेकिन तीसरी बार वो बोल उठता है, माँ मेरे पापा होते ना वो कभी मना नहीं करते, तुम मेरे को कभी खिलौना नहीं दिलाती, लेकिन जब मेरे पापा थे ना, मैं जब भी खिलौना मांगता था वो हर खिलौना दिलाते थे। तो बस मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं, अपने दिल से पूछना, अपनी आत्मा से पूछना कि मेरे बाद भगवान ना करे कभी ये घटना घटे, इस परिवार को आरसीएम की जरूरत है, दिल कहे हाँ तो आप करना, कभी छोड़ना मत, और आपका दिल कहे कि मेरे बाद इस परिवार को आरसीएम की जरूरत नहीं है, मत करना, पर आरसीएम को इस चीज के लिए जरूर करना कि मैं बुढ़ापे में हमेशा अपने माता पिता के साथ रहूंगा।